नवनिर्मित दुकानों के सामने बनाई गई पार्किंग को इंटरलॉकिंग टाइलें लगाकर पक्का करवाए जाने पर पार्षद ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को की शिकायत। नारायणगढ़ के वार्ड 13 में मेन रोड पर स्थित होटल पैरिस के साइड होकर जाने वाली लगी टाइलों को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जहां नगरपालिका अधिकारियों द्वारा एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने को लेकर दुकानों के सामने बनी 35 फीट चौड़ी पार्किंग को गली दिखाकर पक्की करवाने के आरोप लगे हैं। इस मामले की सूचना मिलने के बाद वार्ड 13 के पार्षद सुरेश धीमान ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज को शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर पार्षद सुरेश धीमान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जी गली तो है ही नहीं, तो पार्किंग बनाई है उन्होंने। 94 से मैं लगातार MCO इस वार्ड का, सारा एरिया मेरे अंडर ही है। ये पीछे गली जो है मैंने बनवाई थी काफ़ी पहले, सिर्फ 11 फुट की गली है कागज में। आगे आके यहाँ 35 फुट छाप का घेर दिया। नंबर दो, लोगों की गलियाँ बनाते फिर रहे हैं, पर्सनल गलियाँ जिनकी हैं, चलो मान लेता हूँ मैं गली है बनाई, उन्हें दे दी होगी किसी ने, उनकी गलियाँ बनाते हुए बराबर में अपनी कमेटी की जगह पड़ी, उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। मैंने कई बार इसको MB को भी, सेक्रेटरी को भी, हाउस में ही बोला कि अपनी इसकी निशानदेही करो। ये टेंडर हुआ है जी, लेकिन रेजुलेशन कोई नहीं है। ये सारा का सारा गलत काम करके है, सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुँचाने वास्ते। मेरे हिसाब से ये एक पार्किंग स्थल बनाया जो नगर पालिका के अधिकारियों ने की मिली भगत से हुआ है, और ये कमेटी का पैसा, डी प्लान का पैसा जो है बिना मतलब के बर्बाद कराया गया। जहाँ पब्लिक रहती है, मैंने नाले के लिए 10 बार बोला कि अम्बाला रोड पे नाला जो है टूटा पड़ा है, लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है, सारे जहर का पानी इस नाले में से जाता है। वो नाला तो आज तक बना नहीं सके वो, और ये 35 फुट की गली बनाई थी जो कागजों में सिर्फ 11 फुट की है, तो इस पैसे की बर्बादी है सिर्फ। और बिना पूछे, बिना ये जो मतलब ना उसकी कोई मीटिंग में इसको पास करवाया गया रेजोल्यूशन, ये जो है ME और JE इन दोनों की मिलीभगत से काम हो रहा सर। मैंने मंत्री अनिल विज को, डायरेक्टर लोकल बॉडी को, CM मनोहर लाल खट्टर जी को, और DCM बाड़ा को, और सेक्रेटरी नगर पालिका को, इनको मैंने शिकायत दे दी है, आगे काम उनका है। वहीं SDM नारायणगढ़ अदिति ने कहा है कि उनकी संज्ञान में ये मामला अभी अभी आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। देखिए, अभी अभी ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, हम इसकी जांच करवाएंगे, और अगर ये अनऑथराइज रूप से गली बनाई गई है तो तुरंत इसको कार्रवाई की जाएगी। सत्य खबर के लिए नारायणगढ़ से सरिता धीमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।